किस तरीके की मूवी आपको लगी? मूवी बहुत अच्छी है, रियल स्टोरी बेस्ड है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है रिसेंटली, मेरी भी उसी टाइम पे सेम डे डिलीवरी हुई थी, तो मुझे पता है कि हॉस्पिटल वालों ने कैसे बिल्स देने से और ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशना। ये जो मूवी आपने देखी किस तरीके की लगी? अच्छी है, साइड इफेक्ट एंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह कवर करके जितना बेस्ट पॉसिबल वे में दिखा सकते थे। नोट पे जो फीलिंग्स को इमोशंस को दिखाया है इस मूवी में, एंड यू कैन रिलेट टू इट एवरी वन ऑफ अस ऑल द डेली लाइफ, सो इट्स गुड अटेम्प्ट ऑन नोट पे जोड़। मूवी किस सब्जेक्ट पे बनाई गई है? नोट पे जोड़ एज़ द नेम से, नोटबंदी पे। हाँ जी, देयर इज नथिंग मोर टू आस्क अस, नोट पे जोड़। ठीक है जी, मेरा नाम सीमा चौधरी है। सीमा जी, जो मूवी आप देख के निकली हैं नोट पे चोट, कैसी आपको लगी? जी, मुझे मेरे वो दिन याद आ गए इस मूवी को देख के, जिस समय जब नोटबंदी हुई थी हमें भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक्चुअली में क्या सामना था, बेटे की फीस भरनी थी, बैंक की फीस देनी थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, सब्जी वाला भी नहीं खुले कर रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम आई थी। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा था कि वही सब फ्लैशबैक हो रहा है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर स्टार का बात करें कि 5 में से कितने स्टार देंगे मूवी को? मैं मूवी को 4 स्टार तो दूंगी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये आइडिया जो हमारे प्रोड्यूसर हैं साथ में उनका है, क्योंकि कंपनी दो कंपनीज ने मिलकर, दिल्ली की कंपनी है, उन्होंने फिल्म बनाई है, ये उमराजी एंटरटेनमेंट एंड क्रिटिक कृष्णा एंटरटेनमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे जो प्रोड्यूसर मोदी जैन का था उनका था। कुछ हम सोशल मैसेज पे मूवी बनाना चाह रहे थे इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करते डीमोनेटाइजेशन मूवी, तो उस टाइम पे हमने जो ये कॉन्सेप्ट उठाया तो हमें लगा कि इससे अच्छा एक नेचुरल और जेन्युइन जो टॉपिक है और रियल है, हमें और कोई चीज़ नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे पूरा हिंदुस्तान इफेक्ट हुआ था, ईच एंड एवरी पर्सन। आप सब भी हुए होंगे, मैं भी बहुत हुई थी, हमारी टीम में वो भी इफेक्ट हुए थे। तो हमने ये मूवी इसीलिए बनाई कि उस टाइम पे इंसिडेंट जो जो हुए वो सबको पब्लिक को हम एज एन एंटरटेनमेंट दिखाना चाह रहे थे विद सोशल मैसेज। मतलब इंसिडेंट किस तरीके की, आप थोड़ा सा बताइए इंसिडेंट कैसे? इंसिडेंट सबसे, क्योंकि मैं कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने मूवी में भी बनाया हो और ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ में हुआ हो? हाँ जी, सबसे पहला इंसिडेंट जो मेरी सेविंग निकली थी वो था, जो कि जो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी लेडीज़ हैं सबकी सेविंग्स निकली थी, वो आपने मूवी का अगर ट्रेलर देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा, बच्चों के पिगी बैंक टूटना, उसके बाद में लाइंस में लगना, और कैसे कैसे बहुत सारा प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा ये आई थी जो मैरिजेस होने वाली थी उनमें बहुत इफेक्ट आया था, बहुत लोगों के रिश्ते टूट गए थे, बहुत लोगों का मैरिज हुई नहीं थी, कई लड़कियां ऐसी थी जो उनको पता नहीं मुश्किल से कैसे उन लोगों ने सरवाइव किया उस चीज़ से। और एक सोसाइटी को हम एक मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर हम कोई मैरिजेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, वो सारे इसमें विद सोशल मैसेज। दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है, कितनी कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, दर्शकों को इतनी अच्छी लग रही है मूवी एज़ कम्पेरिजन अदर मूवीज़, और क्योंकि रियल है वो आपका, जो कोई इसमें छोटा सा भी कैरेक्टर है तो पब्लिक उसको नोटिस कर रही है, चाहे वो एक भिखारी का कैरेक्टर हुआ, चाहे वो एक प्रॉपर्टी डीलर का हुआ, चाहे मैरिज ब्रोकर का हुआ, चाहे हमारे हीरो का हुआ, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सबसे रिलेट कर रहे हैं। तो नोटबंदी जब हो गई उसके बाद फिल्म बनाने में कितनी कठिनाइयाँ, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। आपने बताया सेविंग निकाल दी, पिगी बैंक तोड़ दिया। हाँ जी। तो फिल्म बनाने में कितनी कठिनाइयाँ आई? फिल्म बनाने में स्टार्टिंग के आई थिंक 1.5 मंथ तो बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट उसके बाद सब चीज़ें सेटल हो गई थी धीरे धीरे। कुछ ये आप लगा लीजिए इसमें हमारी इंडिया के जो लोग बहुत डिजिटल भी बहुत चीज़ें हुई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो कैश की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी आई थिंक, तो जो भी हमने एडजस्ट किया तो 1.5 महीने 2 महीने में सब सूट आउट। और जैसे डिमोनेटाइजेशन से पहले वाला आपका बजट था उसके बाद कम हो गया होगा? जी नहीं, कम नहीं हुआ, बढ़ गया था, बल्कि कम नहीं हुआ था, बढ़ गया था, क्योंकि परसेंटेजेस ऐड हो गई थी ना। हाँ। ये बहुत चीज़ें परसेंटेज, मतलब परसेंटेज आप हमारी मूवी में देखेंगे, शायद ट्रेलर में आपने देखा होगा कि कोई पूछ रहा था एक्सचेंज कराने में कितना, तो उन्होंने बोला 50% लगेंगे, 30%, 40%, 50%। तो अच्छा, पुराना पैसा एक्सचेंज कराने के लिए जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ें होंगी हमारा ऐसे कुछ नहीं हुआ था, बट ये जो रियल में लोगों के साथ हुआ था, क्योंकि मूवी हमने बनाई है रियल बेस पे, कोई ये विजुलाइज नहीं है जी ये इसके साथ हुआ वो, तो वो हमने उसमें डाला है जो रियल। ठीक है, आप उसमें लीड रोल कर रहे हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा मूवी में काम करने के बाद? देखिए, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जब आप इतने सीजन एक्टर्स के साथ काम करते हैं, इंद्रपाल सर हो गए, मनोज सर हो गए, अजय सर ने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, और सिमन सर हो गए,
तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही कंफर्टेबल फील करा है। मतलब मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं एज ए न्यू कमर एक मूवी में डिब्यू कर रहा हूँ, और एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा था कि कब वक्त चले मतलब वक्त बीत जाता था, कब शूटिंग कंप्लीट होगी हमें पता भी नहीं चलता। ये पूरी फैमिली आपकी खड़ी हुई है, नोटबंदी के दौरान कितना असर पड़ा था भाई एक फिल्मी जीवन में भी और उसके अलावा वास्तविक जीवन में भी? देखिए वास्तविक जीवन में तो चलिए ठीक है, झेल लेती, चलो लाइन में लगना पड़ता है, वो तो कोई बात नहीं, सिर्फ मैं अकेला नहीं था, वो तो पूरी देश की में जनता है, देशभक्ति के गाने गाते हुए लगे हुए थे। उसमें काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं लोगों के, मेरे दोस्तों के फायदे हुए हैं जो हमने एक्चुअली इस फिल्म के माध्यम के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है। और स्पेशली मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी और उनकी सहेलियों का ज़्यादा फर्क पड़ा था। क्या सेविंग चली गई जो थोड़ी बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बट थोड़ी बहुत जो सेविंग थी वो चली गई। जो पापा ने छुपा के रखे थे? पापा ने नहीं, मम्मी ने छुपा के रखे थे पापा ने बिल्कुल नहीं छुपाया था। बट इस जब आप ट्रेलर देखोगे तो हमारी फैमिली में भी वही चीज़ होती है। मेरी जो माँ का किरदार जिसने निभाया है, कुछ वो सीन आने से पहले मेरे डैड आके पूछते कि आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं क्या? नहीं, मेरे पास कहाँ, मेरे पास तो सिर्फ 50,000 होंगे। और जब नोटबंदी होती है तो वो 8-9 लाख रुपए ला के देती हैं, जमा करा दो। एग्जैक्टली, जमा करा दो। और साथ में अजय सर का भी किरदार जो है वो लाइन पे लगते हैं, और किस तरह लाइन में भी जो जिनके साथ उनका रोमांटिक ट्रैक होता है वो भी लाइन में लगी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारियों के साथ, जैसे जो खबरें आई थी कुछ परसेंटेज में उन्होंने नोट बदले थे, तो हमने जो जो हमें पता है और जो जो हमने रिसर्च किया है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं हमने ये फिल्में दर्शाने की कोशिश की। ठीक है, आपकी शादी हो गई दोबारा करना चाहेंगे? ये कैरेक्टर एक मैरिज ब्रोकर का है जो जिनकी शादी नहीं होती उसकी शादी करवाता है, और जिनकी हो जाती है उनकी दोबारा करवा देता है। तो मैरिज ब्रोकर का कैरेक्टर है मेरा, और बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का ब्रदर है, दिल्ली वाला ब्रदर है, दिल्ली वाला भाई, अपनी बहन को घर से बाहर नहीं निकलने देता। और बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, इसे निभाते हुए हमने खूब एंजॉय किया। और मेरी हाथ जोड़ के आप सभी दर्शकों से भी ये विनती है कि आप ये पिक्चर ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, जेन्युइन बात कह रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए इसमें हमने संदेश जो दिया है वो तो आप जब फिल्म देखने जाएंगे आपको तब पता लगेगा, लेकिन ये फिल्म हमने एक घटना घटी थी हिंदुस्तान में, नोटबंदी हुई थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि उस वक्त क्या क्या घटनाक्रम हुए थे और लोग कैसे इफेक्ट हुए थे उस फैसले से, तो वो हमने एक कॉमिक रूप में दिखाने की कोशिश की। हम किसी की फेवर में नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमने एक मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिल्म बनाई है और जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हम लोगों के रिव्यू देख के, लोगों को मतलब मिल के इतने खुश हो रहे हैं कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं फिल्म। ठीक है,